सिक्किम के नामची में भारी बारिश के बाद जमीन खिसकने से हुए हादसे में दो लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। जिस वक्त इलाके में हादसा हुआ उस समय वहां की एक सुरंग में काम चल रहा था और तभी जमीन खिसक गई और ये हादसा हो गया। सुरंग के काम में लगी एक गाड़ी तो मलबे में समा गई जबकि खुदाई करने वाली एक मशीन को मलबे ने बुरी तरह जकड़ लिया। कुदरत के इस कहर की खबर मिलते ही पुलिस और राहत दल के लोग फौरन मौके पर पहुंच गए और रेस्क्यू का काम शुरू किया गया। अभी तो दो की डेड बॉडी मिली है और दो इंजर्ड थे और तीन मिसिंग है। लोगों की तलाश में मलबे और कीचड़ को हटाने का काम तेज कर दिया गया। सुरंग के आसपास और सड़क पर मौजूद मलबे को हटाने के लिए खुदाई करने वाली मशीनों की मदद ली गई। यही नहीं, लापता लोगों की तलाश में खोजी कुत्तों को भी लगाया गया। सौबात की एक बात है कि दक्षिण सिक्किम में बारिश बहुत होती है और वहाँ पहाड़ों की मिट्टी खिसकने की घटनाएं भी खूब होती हैं, लेकिन इस साल वहाँ अब तक सामान्य से कम बारिश हुई है। फिर भी इस महीने में दूसरी बार पहाड़ टूटने से न सिर्फ सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाला इकलौता नेशनल हाईवे बंद हो गया बल्कि वहाँ रेल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे 8 मजदूर भी इस आफत के बाद लापता बताए जा रहे हैं।